मॉडर्न क्रिकेट की सबसे अच्छी इन्वेंशन जो मेरे को लगती है, एक तो स्कूप शॉट और एक रिवर्स स्कूप शॉट। आपने देखा आजकल प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में भी शॉट को खेलते हैं, तो ये सिर्फ T20 या वनडे क्रिकेट का शॉट नहीं रहा, टेस्ट क्रिकेट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये शॉट खेलना कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो। स्टंप्स को बॉडी से कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये शॉट ऐसे मत खेलिए, पूरा स्टंप्स को बॉडी से कवर कीजिए और बॉडी बॉल के पीछे लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा बॉल के पीछे आएगी आपकी बॉडी, तो आप ये शॉट बहुत ईजी तरीके से खेल सकते हैं। नज़र जो है अपनी हमेशा बॉल के ऊपर एंड तक रखनी है, शॉट खेलते टाइम डरना नहीं है, आपकी नज़र एंड तक बॉल पे होगी तो ये शॉट बहुत ईजी तरीके से खेला जाएगा। शॉट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉल को बैट के फेस से लेना है, सिर्फ उसको डायरेक्शन दिखानी है और इसको एक हल्का सा फ्लिक सा देना है। हल्का सा रिस्ट का फ्लिक देंगे तो ये जो बॉल है आपके बैट के फेस से, फाइन लेग के ऊपर से अगर आप नॉर्मल स्कूप खेल रहे हैं, और थर्ड मैन के ऊपर से अगर आप रिवर्स स्कूप खेल रहे हैं तो जाएगा। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आपको 4 रन 6 रन भी मिल सकते हैं, जो कि हमने टीवी पे देखा, बैटर्स की टाइमिंग बढ़िया होती है तो चौका छक्का इस पे सब कुछ मिलता है। ये बहुत प्रोडक्टिव शॉट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डरना नहीं है, शॉट खेलते टाइम भी नहीं डरना और कॉन्सिक्वेंसेस से भी नहीं डरना कि अगर मैं ये शॉट खेलते आउट हो गया तो कैप्टन क्या बोलेगा, कोच क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपना डर निकालो, बॉल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो सारे डर निकाल दो तो ये शॉट खेल सकते हैं आप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फील्ड प्लेसमेंट। देखो कि भाई मैं ये शॉट खेलना चाहता हूँ, अगर मैं ये नॉर्मल स्कूप खेल रहा हूँ तो फाइन लेग के पीछे फील्डर तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये हाई रिस्क शॉट है, तो इसके लिए रिवॉर्ड भी आपको तभी मिलेगा अगर वहाँ पे फील्डर नहीं होगा। तो अगर वहाँ पे फील्डर लगा है तो ये शॉट खेलने का कोई सेंस नहीं बनता। शॉट में थोड़ी सी प्री प्लानिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शॉट किस सिचुएशन में खेलना है। अगर बॉलर प्रिडोमिनेंटली यॉर्कर्स मार रहा है, अगर सिचुएशन ऐसी है, आपको पता है कि बॉलर ने यॉर्कर्स ट्राई करने हैं या हाफ वॉली ट्राई कर रहा है, वो बैक ऑफ द लेंथ नहीं फेंक रहा, तो ही इस शॉट को खेलना। जैसे कि डेथ ओवर्स में शॉट का बहुत यूज होता है, क्योंकि बैटर को पता होता है कि इस टाइम पे जो बॉलर है वो मोस्टली यॉर्कर्स डालने जाएगा, वाइड यॉर्कर्स या नॉर्मल यॉर्कर्स, तो उस सिचुएशन में ये शॉट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ सिचुएशन हैं जिनमें ये शॉट आपको नहीं खेलना, जैसे आप बिल्कुल नए हो क्रीज पे, नई नई बैटिंग करने गए हो, बिल्कुल सेट नहीं हो, तो ये शॉट खेलने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपकी आई इन नहीं है, तो चांसेस हैं कि आप ये शॉट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आउट हो जाओगे। अगर फील्डर्स ऑलरेडी बाउंड्री पे लगे हुए हैं जहाँ पे आप ये शॉट खेलना चाहते हो, तो मोस्टली ये शॉट जाता है थर्ड मैन पे या फाइन लेग पे। अगर वहाँ पे फील्डर्स हैं तो इस शॉट खेलने का कोई पर्पस नहीं बनता, आपको इसका मैक्सिमम रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा, तो इतना रिस्क लेना उसका वर्थ इट नहीं होगा।